वेलकम बैक टुडे आवर टॉपिक इज हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। आज आपका टॉपिक है हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंटली कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहला साइंटिस्ट हर्ट्ज था जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस किया। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्टों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस किया, लेकिन सबसे पहला साइंटिस्ट जो था जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस किया, दैट वॉज हर्ट्ज। तो हर्ट्ज ने 1888 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस किया। कैसे प्रोड्यूस किया? एक एलसी ऑसिलेटर को लिया गया और एलसी ऑसिलेटर की हेल्प की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस किया। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस किया, उसके बाद हमारा रेडियो जो है वो डिस्कवर हुआ, मोबाइल फोन जो आपके पास जो है, क्योंकि आपके पास जो रेडियो टीवी जो है वो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बेस्ड पर ही वर्क करते हैं। तो कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस किया, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। इसी पर हम देखेंगे एलसी ऑसिलेटर लिया गया था। तो देखिए यहां पर आपके पास एलसी ऑसिलेटर है। एलसी ऑसिलेटर में हमारे पास क्या होती है, एक इंडक्शन कॉइल होती है। यहाँ पर देखिए आपके पास कॉइल्स हैं, इंडक्शन कॉइल जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका इंडक्टेंस एल है। इसके बाद दो कैपेसिटर्स हैं हमारे, एक कैपेसिटर है। ये आपके पास कैपेसिटर्स की प्लेट है, इसको हम P1 से रिप्रेजेंट करेंगे, P1, और दूसरी प्लेट ये हमारे पास P2 है। तो इसका मतलब हमारे पास एलसी ऑसिलेटर जो है इसमें एक इंडक्शन कॉइल होती है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, कैपेसिटर होता है। तो किस तरीके से यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस किया, हालांकि बोर्ड पर मैंने ऑलरेडी लिख कर रखा है क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। यहां पर इस कैपेसिटर्स को चार्ज किया जाता है, एक हाई वोल्टेज के जरिए से कैपेसिटर्स को चार्ज किया जाता है, और वो हाई वोल्टेज प्रोड्यूस कौन करता है, दैट इज इंडक्शन कॉइल। तो इंडक्शन कॉइल आपके पास, यहां पर आपके पास क्या है, इंडक्शन कॉइल है, ये प्रोड्यूस करता है हाई वोल्टेज को। तो देखिए हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज जो हम देते हैं, ये आपके पास कॉइल है, ये ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव करेगी। इसमें ये प्राइमरी कॉइल्स और ये आपके पास क्या है, सेकेंडरी कॉइल्स। जैसे हमारे पास ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल्स होती हैं, अगर सेकेंडरी कॉइल्स की टर्न ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल्स, तो हमारा ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो देता है वो वोल्टेज कौन सी देता है, हाई वोल्टेज देता है। तो यहां से हम जो वोल्टेज दे रहे हैं वो लो वोल्टेज देते हैं, और ये ट्रांसफार्मर जो हमें आउटपुट में, ये आपके पास सेकेंडरी कॉइल्स है, और सेकेंडरी कॉइल्स में जो हमें वोल्टेज मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, वो हाई वोल्टेज मिलेगी। तो इन दो टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज कौन सी होगी, वो हाई वोल्टेज होगी। तो वो हाई वोल्टेज, इस हाई वोल्टेज की वजह से इस कैपेसिटर को क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। ये हमारे पास कैपेसिटर है जिसकी दो प्लेट्स हैं, ऐसे हमारे पास ये प्लेट और ये प्लेट, हम क्या करते हैं, इस कैपेसिटर को चार्ज करते हैं। तो जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब ही हम इसको चार्ज करते हैं, तो चार्ज करने से हमारे पास क्या होता है, देखिए हमारे पास इन प्लेट्स के साथ एक मेटालिक स्फीयर्स कनेक्ट है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, देखेंगे आप मेटालिक स्फीयर्स कनेक्ट है। तो अगर हमारे पास ये कैपेसिटर, जैसे हमारे पास पी प्लेट कैपेसिटर का चार्ज हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस मेटालिक स्फीयर पर आ जाएगा। तो मेटालिक स्फीयर पर जब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जब आएगा, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, समझे आप, क्योंकि आपको पता ही है एरिया कम होगा यहाँ पर। जब आपके पास एरिया कम होता है तो चार्जेस जब हमारे पास इस पर आ जाएंगे, तो चार्जेस की डेंसिटी क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। चार्जेस की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको पता है डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया अगर कम है तो चार्ज ज्यादा होंगे, तो इसका मतलब डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। यहां पर भी हाई डेंसिटी होगी, यहां पर भी हाई डेंसिटी होगी, क्योंकि यहां पर ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये मेटालिक स्फीयर में हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये मेटालिक स्फीयर आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम हाई वोल्टेज देंगे, हाई वोल्टेज की वजह से कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर जो ही चार्ज हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा इन दो प्लेट्स के बीच में। यहां पर हमारे पास काफी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने के बाद हमारे पास यहाँ पर जो चार्जेस जो होंगे, चार्जेस की डेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पर भी चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी, तो काफी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पर एयर है, एयर है, आपको पता ही है एयर हमारे पास क्या होता है, एक इंसुलेटर होता है, उसमें करंट पास आन नहीं होती है, लेकिन हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, यहाँ पर हाई, काफी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एयर जो होगी यहाँ पर वो क्या हो जाएगी, वो आयनाइज्ड हो जाएगी। जब एयर आयनाइज्ड हो जाएगी तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस मिलेंगे, समझे आप, पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपके पास। तो इसका मतलब अब हमारे पास क्या है, एयर एक कंडक्टर की तरह काम करेगा, और फिर क्या हमारे पास होंगे, फिर यहाँ पर हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेंगे फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, जो न्यूट्रलाइज करेंगे नेगेटिव चार्ज को, यहाँ पर जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये चार्जेस जो है वो फ्लो करेंगे यहाँ पर इन दो प्लेट्स के बीच में। जब चार्जेस फ्लो करेंगे तो इसका मतलब ये चार्जेस ऑसिलेट करते हैं, समझे, एसिलेट करेंगे चार्जेस इन दो प्लेट्स के बीच में, तब जब हमारे पास एयर आयनाइज हो जाएगी, क्योंकि फिर एयर क्या हो जाएगी, वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर
हमारे पास क्या है यहां पर एक जब हमारे पास एक चार्जेस जब फ्लो करेंगे नीचे की तरफ तो यहां पर एक स्पार्क निकलेगी, एक चिंगारी निकलेगी। इसका मतलब यहां पर जब चिंगारी निकलेगी इसका मतलब यहां पर करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। क्लियर आपको? जो ही हमारे पास यहां पर चार्जेस फ्लो करेंगे नीचे की तरफ, नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे तो यहां पर एक चिंगारी निकलेगी, और चिंगारी रिप्रेजेंट करता है किसको, रिप्रेजेंट करेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो गई। समझे आप? क्योंकि जब चिंगारी निकलती है तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, यहां पर करंट प्रोड्यूस होगी। समझे आप? चिंगारी एक करंट होती है तो आपको पता ही है करंट जो ही प्रोड्यूस होगी तो उसके सराउंडिंग में क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। करंट अपने सराउंडिंग में क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर हमारे पास इन दो प्लेट्स के बीच में क्या है, वो मैक्सिमम है। तो वो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, हमारे पास जो ही मैग्नेटिक फील्ड बनी इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन गई। समझे आप? इसका मतलब यहां पर चिंगारी निकली, एक सेकंड के लिए चिंगारी निकलेगी। समझे आप? तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो गई। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बन गई तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो गई, क्योंकि आपको पता ही है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहां पर इंक्रीज हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पर क्या बन गया, मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब इन दो प्लेट्स के बीच में सेटअप हो गया, समझे आप, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां की तरफ होगी, कहां की तरफ होगी? अगर करंट हमारे पास पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की प्लेट की तरफ फ्लो कर रही है तो राइट हैंड थंब रूल के जरिए से आप बोलोगे कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहां की तरफ है। तो देखिए हमारे पास, हम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे जो हमारे पास जो है ये थंब जो है, अगर करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट अगर नीचे के लिए है तो देखिए फिंगर जो है ऐसे है, हमारे पास फिंगर जो आपको है वो ऐसे हैं। समझे आप? हम ऐसे हैं तो फिंगर्स ऐसे हैं, सर्कुलर फॉर्म में है। तो यहां पर मैंने दिखाया ये ऐसे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, लेकिन ये मैग्नेटिक फोर्सेस कैसे होंगी, वो ऐसे होंगी। समझे आप? इसका मतलब मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस यहां से ऐसे निकलेंगे वो, समझे आप? और वो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जब ऐसे ऐसे निकलेंगी तो आगे हमारे पास एक रिंग है, ये जो आपके पास रिंग है और रिंग के साथ भी कनेक्ट है हमारे पास एक मेटालिक स्फीयर, तो ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इस रिंग में पास हो जाएंगे। हालांकि ये भी कॉइल है हमारे पास, और कॉइल कैसे है, सर्कुलर कॉइल है, और सर्कुलर कॉइल्स के दो एंड पर एक हमारे पास क्या है, यहां पर एक मेटालिक स्फीयर्स कनेक्ट हैं। जैसे यहां पर मेटालिक स्फीयर्स कनेक्ट हैं जिनको S1 और S2 से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ये S1 और ये आपके पास क्या है, S2। इसी तरीके से ये हमारे पास अगर कॉइल ऐसे है तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो ऐसे जा रही हैं यहां से, जो बनी हुई हैं ऐसे ऐसे ऐसे, वो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इस कॉइल में पास ऑन हो जाएंगे। समझे आप? तो इसका मतलब आपको पता ही है जब कॉइल में मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास ऑन हो जाएंगे इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स पास ऑन हो जाएगा किसमें, कॉइल में। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैग्नेटिक फ्लक्स किसके होता है, वो हमारे पास B डॉट A के कुल होता है। समझे आप? तो अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड मीन मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, अगर ज्यादा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कॉइल में पास ऑन हो जाएंगे जो रिंग की शेप में है, तो अगर ज्यादा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास ऑन हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस व्हिच पास थ्रू द कॉइल। तो जब हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ जाएगा, तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाता है तो आपको पता ही है कॉइल में क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जब हमारा बढ़ता है, इसका मतलब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई बाई डी टी, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इसमें इस रिंग में, यहां पर हमारे पास दो मेटालिक स्फीयर है तो इनके बीच में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। तो बिल्कुल जैसे यहां पर वोल्टेज प्रोड्यूस होता हुआ था जिसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ था, उसी तरीके से यहां पर भी हमारे पास ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ प्रोड्यूस होने का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा यहां पर दो मेटालिक प्लेट के बीच में, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहां पर फिर हुआ। क्योंकि आप जब हमारे पास यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा वो काफी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जैसे यहां पर इन दो मेटालिक स्फीयर के बीच में यहां पर एयर है, जिस तरीके से यहां पर हमारे पास एयर आयनाइज हो जाए हुई थी उसी तरीके से यहां पर भी एयर क्या हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी। जब एयर आयनाइज हो जाएगी तो ये एंड अगर हमारे पास पॉजिटिव होगा, ये एंड नेगेटिव होगा, तो चार्जेस यहां पर फ्लो करेंगे फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड, जिसकी वजह से यहां पर करंट फ्लो करेगी, और जो ही करंट फ्लो करेगी, जो ही करंट प्रोड्यूस होगी, एक चिंगारी यहां पर निकलेगी। समझे आप? जैसे यहां पर चिंगारी निकली थी वैसे ही चिंगारी यहां पर भी निकलेगी। जो ही चिंगारी यहां पर निकलेगी तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगी। समझे आप? ये जो हमारे पास है ना, ये एक डिटेक्टर होता है, इसको डिटेक्टर कहा जाता है। कि ये जो हमारे पास एलसी ऑसिलेटर ने, एलसी सर्किट जो हमारे पास है, इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस किया यहां पर कि नहीं किया। अगर यहां पर चिंगारी निकली, और चिंगारी निकलने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हुई, अगर अब हमने चेक करना होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हुई कि नहीं हुई, अगर वही चिंगारी यहां पर भी हमारे पास इस रिंग के बीच में यहां पर भी वो चिंगारी निकलेगी, स्पार्क निकलेगी, समझे आप? इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस एलसी ऑसिलेटर ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस किया। अगर यहां पर वो चिंगारी नहीं निकलेगी, इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ने यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस नहीं हुई है।
तो जैसे यहां पर हमारे पास चिंगारी निकलती है जिस मेथड से, उसी मेथड से यहां पर भी चिंगारी निकलेगी और हमें पता चलेगा वो स्पार्क निकलेगी और हमें पता चलेगा कि यहां पर लेटेंट वेव्स प्रोड्यूस हो गई। क्लियर आपको? तो इसी तरीके से ये मेथड है हमारे पास जिस मेथड से हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हर्ट्ज ने प्रोड्यूस किया था। तो हर्ट्ज ने इस मेथड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस किया था, यहां पर प्रोड्यूस किया था। और ये जो रिंग है ये एक डिटेक्टर का काम करती है, इससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हुई कि नहीं हुई। अगर चिंगारी यहां पर निकलेगी तो हमें हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हुई, अगर नहीं निकलेगी तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहां पर प्रोड्यूस नहीं हुई। तो यहां पर हमारे पास जो है ये जो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है इसी पर बेस्ड है। यहां पर हमारे पास क्या आता है, चार्ज ऑसिलेट करता है, चार्ज एसेलरेट करेगा, समझा? यहां पर हमारे पास इस गैप में, तो फिर यहां पर जब हमारे पास चार्ज एसेलरेट करेगा इस गैप में तो फिर हमारे पास क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। ये जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है हमारे पास जो हर्ट्ज ने प्रोड्यूस की थी, ये एक शॉर्ट डिस्टेंस कवर करती है, एक शॉर्ट वेव इसने, शॉर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस इसने की थी जो उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करती थी। लेकिन उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस किया जिन जो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती थी, समझे? लेकिन सबसे पहला साइंटिस्ट यही था जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस किया था। तो वही यहां पर पूरा का पूरा वही लिखा है मैंने, हर्ट्ज इन 1888 एक्सपेरिमेंटली कन्फर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक्सपेरिमेंट वॉज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एन ऑसिलेटिंग चार्ज रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ पर हमारे पास ऑसिलेटिंग चार्ज होता है वही रेडिएट करता है, वही देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। तो एक्सपेरिमेंट सेटअप कंसिस्ट ऑफ टू मेटालिक प्लेट्स एक्ट एज कैपेसिटर्स। यहाँ पर हमारे पास दो मेटालिक प्लेट्स होते हैं जो एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करते हैं, मेटालिक प्लेट P1 और P2 जो एक मेटालिक प्लेट की तरह बिहेव करते हैं। एंड इंडक्शन कॉइल L, यहाँ पर हमारे पास इंडक्शन कॉइल L है। तो इसमें हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट में एक तो इंडक्शन कॉइल्स होती हैं और दूसरा हमारे पास क्या होता है, कैपेसिटर होता है। इसके बाद इंडक्शन कॉइल प्रोड्यूस वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स। देखिए हमारे पास ये इंडक्शन कॉइल जो है ये आगे जो हमें देगा क्या देगा, एक हाई वोल्टेज देगा। इस हाई वोल्टेज की वजह से हमारे पास क्या होगा, जो हाई वोल्टेज फिर हम क्या, जब हमारे पास इंडक्शन कॉइल एक हाई वोल्टेज देगा वही हाई वोल्टेज किसमें वो क्या करेगा, वो कैपेसिटर को चार्ज करेगा। तो वो हाई वोल्टेज किसको देते हैं, हम कैपेसिटर्स को देते हैं हम। हाई वोल्टेज जो हमारे पास हाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स विच इन टर्न आयनाइज द एयर बिटवीन S1 एंड S2। अब जब हम हाई वोल्टेज देंगे हम किसको, इस कैपेसिटर्स को, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहां पर हमारे पास गैप में जो एयर होती है जो मेटालिक स्फीयर S1 और S2 के बीच में जो एयर है वो क्या हो जाएगी, वो आयनाइज हो जाएगी। ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ एयर स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड इन द गैप। यहां पर एक चिंगारी निकलेगी गैप में, द स्पार्क्स गिव्स राइज ऑसिलेशन विच इन टर्न सेंड्स आउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहां पर हमारे पास क्या है, वो स्पार्क से हमें पता चलेगा कि यहां पर हमारे पास चार्ज क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो, यहां पर हुआ होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हुआ होगा। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हुई, समझे आप, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, या हम कहेंगे द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो किसकी होती है, म्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC के होता है। L होता है इंडक्टेंस और C होता है कैपेसिटेंस। तो ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी किस होती है, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC के इक्वल होती है। तो ये हमारे पास था, दैट वॉज हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। हर्ट्ज ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था और हमें प्रोड्यूस करके दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। ओके।